हर किसी की जिंदगी में बहुत सी अच्छी आदतें होती हैं और बहुत सी बहुत बुरी। सही समय पर सही आदत चुन लेनी चाहिए और बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। और हमने बुरी चुनी थी। सारी कहानी चुन्ना से शुरू हुई थी। चुन्ना गांव में रहता था, उसके बाप ने उसे एक पंचर की दुकान खोल के शहर में दे दी थी और वो दुकान चोरी नहीं। और एक दिन चुन्ना के बाप का फोन आया। तो सोएंगे ना? सोओगे? नलन पे तुम बैठो, हम तो बैठे। कह दिया है तुमने ओ जानम, प्रणाम कुत्ते। एक काम नहीं होता तेरे से, हैं? एक काम नहीं होता तेरे से। एक काम कर, तू ये सब छोड़ और गांव आ जा, ईंट की भट्टी बना दे तेरे को। नहीं नहीं पिताजी, हम गांव हम नहीं आ रहे हैं, आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। तो तू ठीक कर दे, हैं? दुकान चला और पैसे भेज मेरे पास। पिताजी हम क्या, जी मेरा नाम चुन्ना है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब भी हूँ जी, बहुत दिनों से दाल चावल रोटी तक नहीं खाई है मैंने जी, मैं इतना गरीब हूँ कि रात भर नींद नहीं आती है, घर में एसी तक नहीं है, पसीने में रहते हैं हम। अब हमको ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारा बाप हमारे इन दोस्तों के साथ हमको रहने नहीं देगा। ये बात ये हमारे दोस्त भी जानते हैं और इस बात से हमारे दोस्त भी बहुत दुखी हैं। रखी है, बुलाया भी नहीं। इत्तेफाक है, सही समय पे आया है। देख, ये मेरा भतीजा है, इसकी दुकान चला, कुछ जुगाड़ बिठा भैया है। तो के दीजिए, के देना अच्छा होता है, भला छुपानी से क्या फायदा और इसमें मीरा क्या फायदा। भैया आपका भी फायदा करा देंगे, पहले हमारी मदद तो करो। अबे पर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ? दिक्कत ले रहा हूँ, उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डर लिए थे वही बात हो गई। चुन्ना भैया ये दुकान दिक्कत नहीं है, और ये रोड दिक्कत है। भैया क्या बात कर रहे हो यार तुम, रोड कैसे दिक्कत हो सकता है? चूतड़ी निकल के क्यों भुका रहे हैं मुझे, बोल रहा हूँ ना। चाचा ये रोड दिक्कत है। पर रोड कैसे दिक्कत हो सके भाई, इतने साफ सड़क पे घंटा पंचर होएगा। वो छोड़ो, तुम सब सारे मुझे मिलो संडे इतवार को 12 बजे दिन में, ठीक? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, रोड दिक्कत थी, रोड दिक्कत कैसे हो सकता है? पता नहीं इत्तेफाक के दिमाग में क्या चल रहा था। इत्तेफाक को पूरा भरोसा था अपने आइडिया पर, फिर भी हम वहां पहुंचे। धीरे धीरे सब समझ आने लगा। अब हम ये किले इस रोड पे बिछाएगा, यहां से जितनी भी रुकाली आएगी उन सबका पहुंचर हो जाएगा। ओ, ये साला पहुंचर के गिर गया। ये पूरा देश है ना, तो संडे को एंजॉय करके मंडे को अपनी गांड देने के चक्कर में बैठा रहता है, और जिस बंदे की मंडे को गांड मरी समझ लो पूरे हफ्ते गांड मरनी उसकी, इसलिए मंडे को गांड ना देने के चक्कर में लोग पत्नी क्या क्या पकड़ ले। और हम उस मंडे का फायदा उठाना चाहते थे,
अब शुरू होने वाला था हमारे गिरोह का सबसे पहला स्कैंडल, स्कैम 92, फर्जीवाड़ा, घोटाला, मनी हाइस्ट। अरे साहब आप गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया। आपकी वर्दी को देख के तो लगता है आप पुलिस वाले हो। आप तो कोतवाल हो, आप शांति स्थापक हो, आप रक्षक हो, आप तो मसीहा हो। मसीहा? अरे वो सेवर वगैरह। अरे आपके कंधों पे तो पूरी धरती माता का बोझ सवार है, अब इस देश का भार कौन संभालेगा। वैसे आपका नाम क्या है साहब? अफसर खान। हल्की सी स्लिप हो गई। आपकी बाइक स्लिप हो गई? आप तो पुलिस वाले हो, आपको तो ड्राइविंग आती होगी। आपका तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। आपके पेपर कहाँ है साहब? आपका हेलमेट कहाँ है वैसे? भूल गया। भूल गए? चलो कोई नहीं, आप इंसान हो, आप भूल सकते हो। वैसे आपकी पैंट पे ये कैचअप कैसे लगा है? खून है वो। खून है? चलो कोई बात नहीं, उठिए साहब। अरे उठियो ना साहब, यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई पंचर वाले भी नहीं है। ओ देखो साहब चौथा खड़ा है, उनको कुछ पता होगा, उनसे पूछते हैं। तो भाई टोपी लो ना साहब, आओ बाइक में उठा, आओ साहब बैठो। चलो साहब। इनका एक्सीडेंट हुआ है क्या? इनकी पैंट पे तो कैचअप लगा है, ये काम क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, हमें लगा आप थिएटर वेटर में काम करते हैं। यहाँ पास में बहुत बड़ा थिएटर है, वहाँ लोग तरह तरह के कपड़े पहन के आ जाते हैं। क्या हुआ, पंचर हो गई? पर यहाँ दूर दूर तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस देश का भाई कौन संभालेगा? अरे वो एक लड़का वो दिखाई दे रहा है, वो बीड़ी पी रहा है। अरे क्या हुआ साहब, क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई साहब? पंचर हो गया भाई साहब। अरे साहब की गाड़ी पंचर हो गया, आप थिएटर करते हैं क्या साहब? अरे नहीं नहीं, मैं भी लगा था थिएटर करते हैं, पर साहब असली पुलिस का क्या? असली पुलिस? समाज सुधारक की गाड़ी का पंचर हो गया हम सबके होते हुए? आपकी कोई गलती नहीं है। अरे भैया यहाँ पे कोई पंचर वाला है क्या? भाई साहब दूर दूर तक सिर्फ एक ही पंचर वाला है। फटाफट पंचर वाला, फटाफट पंचर वाला, फटाफट पंचर वाला। हम सब बहुत डरे हुए थे, क्या होने वाला था। Thank you.
साहब आपकी आंखों में आंसू, साहब आप रो रहे हैं। साहब इस बच्चे को आप देख रहे हैं ना, ये पंचर वाले चुन्ना का भाई है मुन्ना। साहब बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। साहब आप क्या है? इंस्पेक्टर अफसर खान। तब तो चाहते हैं साहब ये आपसे भी बड़ा बने। और भैया आप चुन्ना को बुलाइए ना। अरे चुन्ना, अबे चुन्ना कहाँ हो तुम? आना इधर आ। अबे तो मार बुला। अबे आना इधर। साढ़े तीन देर सवाल लगा रहा, आता क्यों नहीं तू? साले पांच बार बुलाने की बात हुई थी, तूने सिर्फ तीन बार बुलाया। सॉरी भाई, सिर्फ सुन, मैं बाहर जाकर दो बार फिर आ जा रहा हूँ। एक बार आ जाइए तू, देख लिए। चुन्ना, चुन्ना, भाई, चुन्ना। मुन्ना, मेरा भाई तू मन लगा के पढ़ाई कर। तेरा भाई गरीब है तो क्या हुआ हा? तुझे मैं बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा एक दिन यार, तू चिंता मत कर। साहब हम हफ्ता नहीं दे पाएंगे साहब। अरे भैया तुमसे कोई हफ्ता नहीं मांग रहा है। साहब की बाइक का पंचर हो गया है, तुम लगा दोगे? साहब की बाइक पंचर हो गई? अभी दीजिए साहब, दो मिनट दीजिए मेरे को, मैं अभी आपकी बाइक ठीक करके दूंगा। कितना मेहनती आदमी है। मेहनती नहीं, इसका बस चले तो किसी को भूखा ना सोने दे, सब खाना खाकर सो। क्या साहब देखिए ना कितनी जल्दी फटाफट नट खोल दिए। बेटा क्या खाएगा? समथिंग इटालियन। क्या? राजमा चावल। जा बेटा तू खेल, ये ले किताब मुझे दे। जा खेल बेटा, खेतों में मत चला जाओ। हम कामयाब होने वाले थे, हमें नहीं पता था मेरा दिमाग इन सब के इतना काम आएगा। बे चुन्ना बुन्ना कुछ नहीं है, ये सारे मेरी सिखाई हुई। इन्हें चोरी का आइडिया मैंने दिया, एक्टिंग इन्हें मैंने सिखाई, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मैं लेके आया। अब जैसे ये आइडिया इनके काम आया है, वैसे ही अब ये पैसे मेरे काम आएंगे। और ऐसे हमने सबको चूतिया बनाना शुरू किया और फिर शुरू हुई हमारे अच्छे दिनों की कहानी। हो गया भाई, बढ़िया कर दिया तू ना, ऊंची ऊंची से लग रही है। पर करता हूँ बढ़िया, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया बना दी भाई तूने बाइक पे। अरे साहब इसीलिए तो इसे कहते हैं फटाफट पंचर वाला। साहब आप लेट हो रहे होंगे। जुड़ेगा? नहीं भाई, से मना क्यों कर दिया? सर वो मुन्ना का ना ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ऐसे पढ़ाई वक्त। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चुन्ना ने इतना अच्छा पहुंचे बनाया, शाह उसको ज्यादा पैसा देगा। हाँ पिछली बार एक भला मानुस आया था, बहुत कम पैसा दे के गया था। कितना? सिर्फ 2,000। और इतना कम? शाब उसको कम से कम 3,000 देगा। हाँ देखते हैं। ये लो अपने भाई को पढ़ा लेना और उसे बड़ा आदमी बनाना। ये नहीं हो सकता साहब। क्यों? ये तो सिर्फ पंचर के हैं, उसकी पढ़ाई के और खाने के तो अलग देने पड़ेंगे सर। लो और उसे बड़ा आदमी बनाना, बिल्कुल मेरी तरह। आपसे ही बड़ा बनाऊंगा साहब, बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद साहब। साहब मजा आ गया साहब, फिर से आइएगा साहब, हर रोज आइएगा।
सर, एक फोटो तो ले लेते, दुकान के लगाएंगे साहब फोटो। साहब बहुत अच्छा आदमी है। अपना फोन निकाल लो साहब। मैं ले लेता हूँ साहब। अरे हमारा आईफोन कहाँ है? नहीं नहीं साहब, को लेने दो, कानून के हाथ लंबे होते हैं ना। दे दीजिए साहब। साहब आप जा रहे हैं साहब। धन्यवाद साहब। साहब स्टैंड ऊपर कर लीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखते साहब। अब हम भी अच्छा खा सकेंगे, आईफोन 12 ले पाएंगे, किडनी नहीं बेचना पड़ेगा, अरे मॉल वॉल जा सकेंगे, पैसा खर्च कर सकेंगे, सब बढ़िया हो गया है। अंदर देखिए ना, मजा आ रहा है सब। इत्तेफाक भाई, आपने अपना वादा निभाया। भाई हम गुंडे मवाली फर्जीवाड़ा करते हैं, पर कभी फर्जी वादा नहीं करते। उस दिन जो इन लोगों ने मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बाइक चला के रेड लाइट तक पहुंचा ही था, बाइक बंद हो गई, मेरे पैर पे जो कील लगी थी उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। मुझे उस दिन ही लगा था कि दाल में कुछ काला है। मैंने सोच लिया मैं इनसे बदला लूंगा। पूरे 20 साल लगे। चुन्ना था लुकेश और बच्चा, अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, शुरुआत हो चुकी है। फिर भी मैं हंस रहा देख, मेरी नादानी कोई ज्यादा नहीं है, बड़े ख्वाब मेरे जुबान का पक्का हूँ, फर्जी वाड़ा कर लूँ पर कभी करता मैं फर्जी वादा नहीं। बात तो ज्यादा क्यों होती? भाई साहब इस बार मैनेज कर लीजिए, अगली बार दे देंगे। ये भी ले लीजिए ना। दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत दिक्कत है ब्रो, दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत दिक्कत ब्रो, दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत दिक्कत ब्रो, सारे बढ़ गए आगे मुझसे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा ग्रो। ए हम गुंडे मवाली फर्जी वाड़ा करते हैं, पर कभी फर्जी वादा नहीं करते।